खरखोदा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक पाठशाला खरखोदा में चौकीदार के होते हुए भी हुई चोरी। स्कूल के प्रिंसिपल धर्मपाल दहिया ने बताया कि छुट्टियों के बाद जैसे ही स्कूल खुले तो स्टाफ ने उन्हें सूचित किया कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की साइंस लैब में 16 पानी की टूंटियाँ जो कि पीतल की थी और चोरी हो गई, जबकि वहीं पर बने प्राथमिक पाठशाला में मिड डे मील के सामान में लगभग 2.5 क्विंटल चावल व 1 क्विंटल आटा जो कि रूम में रखा था और इसके अलावा 2 पतीले के ढक्कन जो कि पीतल के थे वो भी चोरी हो गए, जो कि खरखोदा पुलिस को सूचित कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई शुरू की। ऐसा श्रीमान जी, आज स्कूल खुला छुट्टी में बाद तो सभी सुबह परेड होने बाद सभी बच्चे क्लास में चले गए। कुछ थोड़ी देर बाद जो मुझे साइंस लैब है, साइंस की टीचर थी, वो साइंस रूम में गई लैब में, और वहाँ से जो मिड डे मील था वो मैडम जो इंचार्ज है वो और जो कुक है, तो उन्होंने मेरे को अगर बोला कि यहाँ पर तो जी ताला में इसका टूटा हुआ है, मिड डे मील का खुल नहीं रहा, टूटा ऐसा लटका हुआ है। तो फिर मैं जाकर देखा तो उन्होंने बताया कि इसे चोरी हुआ, कुछ गेहूँ, कुछ चावल और कुछ 2 ढक्कन। इसी तरह लैब का उन्होंने बताया मैडम ने, कर्मचारी ने, कि भाई हमारे मतलब लैब में ये हमने जो ठुट्ठी पानी के 16 ठुट्ठी गाय मिली हैं, और बाकी तो और मतलब छोटा मोटा है इस तरह का, मतलब काफ़ी बड़ा स्कूल, पता नहीं क्या छोटा हो सकता, पर लेकिन एक सर दूसरा कर्मचारी बता रहा है कि भाई यहाँ से कुछ सरिये पड़े थे मोटे मोटे, वो भी तो गायब। सर पुलिस को सूचना दे दी गई है? पुलिस को सूचना दी गई है, वो आए थे पुलिस स्टाफ ही, वो चेक करके चले गए और बोले भाई ठीक है इसका ना इन्वेस्टिगेशन करके देखते पता करते हैं कौन क्या है, लेकिन अभी रिटर्न हमने दी नहीं है। वो 2 दिन के बाद एक हमारे कर्मचारी है जिसकी लड़की की शादी है तो उसमें थोड़ा बिजी है, तो उससे भी थोड़ा मतलब इंटरेक्शन करके भाई उसको कुछ के बारे में क्लू हो तो उसके बाद हम पुलिस को लिखित में सुना देंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि स्कूल की जिस साइंस लैब को चोरों ने अपना निशाना बनाया उसका ताला बंद मिला, जबकि उसकी कई चाबियां अलग अलग स्टाफ सदस्यों के पास थी, लेकिन इसके बाद भी स्कूल की इस लैब से नल की 16 टूंटी चोरी हुई, जिस पर भी पुलिस की नज़र है और इस बारे में भी पुलिस स्टाफ से बातचीत करेगी। चौकीदार के होते हुए हुई चोरी पर चार्य की माने तो एक तरफ जहां छुट्टियों के दिनों में NSS कैंप स्कूल में लगाया गया, वहीं एक कन्या बैठक का भी आयोजन किया गया, वहीं रात के समय लगातार स्कूल में चौकीदार भी रहा। इसके बाद भी चोरी होना सवालों के घेरे में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर तहलका के लिए खरखोदा से सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।